और अभी यहाँ पे सन मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली। दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ हंसते और मुस्कुराते हुए रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन या रब। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे, जो बे औलाद है अल्लाह पाक उन्हें साहिब औलाद करे, जो कर्जदार अल्लाह पाक उन्हें कर्ज से निजात दे और जिसकी जो भी परेशानी अल्लाह पाक सब दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन या रब। तो इंशाल्लाह जो भी डेली की रूटीन होगी आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो अभी आप जा रहे हैं गांव जी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जा रहे हैं अभी सुबह सुबह का टाइम है गाँव, वहाँ पर खेतों में पानी लगाना है, कमान की बिजाई भी आज करनी है और दूध भी गाँव से लेके आना है ताज़ा घर के लिए। तो आइए चलते हैं। और काफी सारे लोग ये हर बार कहते हैं कि आप दूध बाहर से क्यों लेते हैं, ये भी बताएं ना। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि घर में जो मवेशी है ना उनका हमारे पास दूध नहीं है, वो बछड़े तो हैं। बछड़े हैं तो दूध जो है वो हम बाहर से खरीदते हैं और शहर में जो है हमें दूध यहाँ खालिस नहीं मिलता, इसलिए गाँव से वहाँ से फ्रेश और खालिस दूध मिलता है तो वहाँ से लेते हैं। तो ठीक है, अगर चलते हैं, अगर टाइम मिला तो वहाँ पर गाँव में भी वीडियो बना के आपसे शेयर करेंगे काम कैसे काम चल रहा है खेतों का। और ये सारे हमारे जन्म बछड़े जैसे मेल है फीमेल नहीं है, फीमेल जो होती है दूध देती हैं और जो मेल होते हैं वो ऐसे कुर्बानियों के लिए हमारे यहाँ पाले जाते हैं। और ये रहा सुबह का मंजर बाहर का। तो यहाँ पर मुर्गियों को भी बाहर निकाल दिया है, मवेशी अंदर चले गए हैं। यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए। जी आप क्या लेके आए दूध के साथ साथ? ये दूध ले रहे हैं गांव से और ये रास्ते में मुझे ना एक दोस्त है फ्रेंड उसके वहाँ ये फूल की वो भी है। अच्छा। ताजा ताजा जो है ना उसने मुझे गिफ्ट दिया है कि भाई ये आप लेते जाओ, है भी बहुत प्यारी फ्रेश फ्रेश ना ताज़ा ताज़ा। ये देखिए अभी ना उन्होंने काट के दिया, ये पानी में अभी तक लगा हुआ है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा फूल है। और ये हालात देखे, आपने पानी लगा लिया? पानी अभी लगा हुआ है, मैं नाश्ता करने जल्दी फिर से गांव जा रहे हैं नाश्ता करके। क्या हुआ बताओ आप? अभी हम जा रहे हैं गाँव, सलमान आ गया है। दुआ इधर देखो, देखो इधर, कहाँ जा रही हो? बस्ती जा रही हो? तो यहाँ पर अभी भी गन्ना जाना लोड हो रहा है क्योंकि यहाँ बात है यहाँ पर अपडेट भी आ गए हैं। यहाँ पर हर तरह की बिजाई जाना शुरू है, सब अभी की बिजाई स्टार्ट है और हमारी मक्की को पानी लगा हुआ है, मेरे हस्बैंड ने पानी लगाया हुआ है और इधर भी जो ना हमारे कमान की बिजाई हो रही है। यहाँ पर सामने खड़े पानी लगाया हुआ है चलो, यहाँ पर भिंडी को भी पानी लगा हुआ है और वहाँ सामने जो ना कमांद की बिजाई हो रही है। और यहाँ पर देखिए पंछी कैसे आए हुए हैं। और ये रही गंदम, इसमें भी पानी लगा हुआ है, आज जो ना टोटल सुबह से आए हैं तो पानी लगाया हुआ है। और सुनाए कहाँ तक पहुँचा पानी का काम? पानी अभी 8 खेतों को लगा लिया है, बाकी 4 खेत बाकी रहते हैं और ये चेन कहाँ से लिया है? चेन ये मेरा भाई जो है ये गया था उधर। अच्छा, मेले पर गया था, तो अभी इसने मुझे आके पहनाई है कि भाई मैं ये आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। थैंक यू यार, तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गिफ्ट भाई है। तो भाई ऐसे हो जो गिफ्ट लेके आए। चले चले। और वहाँ पर कमांद की बिजाई भी हो रही है, कितना बीज लिया? बस थोड़ा रह गया बाकी। देखेंगे नहा कर कैसे मजे आ रहे हैं क्योंकि अभी जो है ना गर्मी हो रही है शुरू
तो यहाँ पर सब पंछी देना सुकून से नहा भी रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, अपना खाना भी यहाँ से जो ना तलाश करके खा रहे हैं। देखें यहाँ पर ग्रीन ग्रीन, देखें कितना माहौल प्यारा बना हुआ है। यहाँ पर गांव की यही तो ख़ास बात है कि यहाँ पे आके आप अपनी सारी जो है ना टेंशन भूल जाते हैं। और यहाँ पर देखें पंछी जो इस तरह उड़ के दूसरी साइड पे जा रहे हैं। यहाँ पर जो है ना खेतों को यहाँ से पानी लगाया हुआ है मेरे हस्बैंड ने, और आगे जो है ना कमाद की बिजाई हो रही है और ये साथ साथ आगे चलते हुए जाएंगे। तो माशाल्लाह ये देखें गंदम को जैसे ही पानी लगा वो नीचे गिरना स्टार्ट हो गई है। और ये देखें यहाँ से साथ साथ बिजाई भी हो रही है और साथ साथ खेतों को पानी भी लगा हुआ है। से ये देखें ये पानी जा रहा है इधर, क्योंकि यहाँ पर कमान जो ना बीज लिया उन्होंने, तो बस अभी पानी लगा हुआ है। ये देखें बीज में ना कमान कट करके छोटे छोटे पीस करके ना इन खेलों में डाल दिया, ऊपर जो ना मक्की और नीचे जो ना कमान हो जाएगा। इसे भी पानी जा रहा है अंदर। ये रही खाद, और खाद को जो ना इस तरह से बांधा हुआ है, ये जो ना कमर में बाजू में दबा के ना ऊपर रखते हैं और फिर जो ना खाद जो ना इसमें डालते हैं। तो ये देखें इस तरह की बिजाई हो रही है। अब लेके आ गए कमान की बिजाई होती है। ये देखें पहले मैं यहाँ पर कास्ट करके गए तो आगे आइए मैं दिखा दूँ। इस तरीके से कमान की छड़ी को पहले काटना है, फिर उसके टुकड़े करने हैं छोटे छोटे, 1.5 फुट का टुकड़ा इतना तकरीबन। तो ये देखें ऐसे लाइन में जो है ना ये आपने ऐसे रखते जाना है ऐसे, इस तरीके से ऐसे ही लाइनों में जो है ना टोटल जो है ना आपने कमान का बिजाई करनी है। फिर उसके ऊपर पानी लगा देना है। और यहाँ पर खाद भी तो आपने डाल दी है ना, ये नज़र आ रही है ना वाइट। ये मक्की को ताकत देगी और इसके ऊपर फिर मिट्टी डाल देंगे कमान के ऊपर बीज के ऊपर, तो ये फिर दोनों फसलें तैयार हो जाएंगी। चलो इस वाली साइड पे भी ये देखें यहाँ से बीजारा जो है बीजा लगा हुआ है ऐसे जो है खेलों में, ये इस तरह से लगा हुआ है। वहाँ सामने जो ना बच्चे काश्त कर रहे हैं, वहाँ पे फैमिलीज हैं, बच्चे वो काश्त कर रही हैं, उनकी पिकें नहीं लगानी यहाँ पे ना ही वीडियो बनाए। तो ये देखें ये जो ना इधर आ जाए, अभी मैं जा रही हूँ वापस घर, क्योंकि ये सॉरी घर नहीं, ये केने देने जहाँ से दूध लेते हैं। तो सलमान यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है क्योंकि मैं चली गई थी लेबर वालों के पास उनको मिलने, तो अभी जाएंगे दूध वालों की साइड पे भी लेबर जो ना कमान की बिजाई कर रही है। यहाँ पर सब जो ना गन्ने की ट्राली लोड कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो माशाल्लाह इसको भी पानी लगाकर पहले ही गए हैं। इंशाल्लाह हमारी फसल इस बार बहुत अच्छी होगी आप सबकी दुआओं से। हुआ फूल इधर आ जाओ, फूल नहीं तोड़ने दुआ, फूल नहीं तोड़ने वापस आओ। हो खाला आ रही है ना मारेगी कि फूल तोड़ रही है दुआ, कहाँ है फूल, फूल कहाँ है दुआ, तोड़ के दूँ आपको। इसको एक फूल मिला है, अभी फिर और फूल तोड़ने जा रही, बस वापस आ जाओ, काफ़ी है एक, आ जाओ वापस। चलो यहाँ से देखें तालाब का पानी यहाँ से जा रहा है खेतों को लगता है। और यहाँ पर देखें मेथी किस तरह खूबसूरत लग रही है, और साथ में मुंगरे हैं, पालक है, लहसुन है और प्याज भी बीजे हुए हैं, वहाँ पर गाजरे हैं, पालक, तो माशाल्लाह सब्जियाँ जो ना काफ़ी यहाँ पे हैं। भाभी कह रही हैं कि आप तोड़ लें, मैंने कहा नहीं, हमारे खुद की भी अभी मुंगरे वगैरह भी लगे हुए हैं, तो आज हम बनाएंगे गोभी जो मेरे हस्बैंड को गिफ्ट मिले। हाँ तोड़ के आ गई दुआ, अरे वाह खुशबू है इसमें, खुशबू है, नहीं और नहीं तोड़ने। ये रहा यहाँ से पानी आ रहा है और खेतों को लग रहा है, और अभी जो है ना कुछ सूरज की रोशनी कम हो रही है तो ये पानी भी थोड़ा कम आना जो है ना वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हल्का हल्का हो रहा है। चलो चल चलो, नहीं शब्बो नहीं आई, चलो। यहाँ पर देखिए मुर्गियाँ जो है ना दाना खा रही हैं, अपना अपना चकोरियाँ भी हैं, यहाँ पर मुर्गा है, उस साइड पर मोर है, और ये रही उस दिन वाली मल, अभी भी बची हुई है मड। तो यहाँ पर मुर्गियों ने जो है ना छोटे छोटे इस तरह के बच्चे दिए हुए हैं, बिल्कुल ही छोटे छोटे हैं। ये देखें इस मुर्गी के बच्चे हैं, और फूल देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ना, यहाँ पर फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये यहाँ से पानी भी पी रही है।
तो माशाल्लाह आम जो है ना तैयार होने वाला, इनका जो बूर होता है ना बीच में से बीज निकलना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर दुआ का बिल्कुल भी दिल नहीं है घर जाने का। चलो आ जाओ घर चले आ जाओ। यहाँ पर है बैंगन के पौधे और यहाँ पर एक और गुलाब लगा हुआ है। पर जो ना खाली के ने दूध वाली दे दी है। अभी जा रहे हैं मेरी कजन के घर और इसकी खाला भी और दोस्त भी है। देखना गाय मारेगी। यहाँ पर देखें इनके जो डॉगी है ना उसने बच्चे दिए दो, दूर ही थे ना बाल। ओहो पांच बच्चे थे इसके, तीन जो ना मर चुके हैं। ये खुद भी तो इतनी कमजोर है ना। और यहाँ पर रोड पर ये देखे थापड़ियाँ बनाई हुई है। पर देखिए माशाल्लाह कमान की बिजाई हो चुकी है और पानी भी लग चुका है इसको ना। तो इस तरह जो ना कमान की बिजाई होती है जैसे ये हो गई है। वापस तो चलते हैं मेरे कज़न के घर, इस वाले कज़न के घर, क्योंकि इनके बेटे की तबीयत नहीं ठीक। और यहाँ से हो रहा है काम, इस अंत के अंदर लग रही है चक्की। बड़ो मामू के घर और सलमान जा रहा है घर, चाय बनाते हैं फिर चाय पीकर घर चले जाएंगे। और यहाँ पर छोटी छोटी मेमनियाँ कैसे ना चारा तलाश कर रही हैं अपने। यहाँ से हो लिया क्योंकि मेरे कज़न जो है ना बच्चे को लेकर गए हैं ड्रिप लगवाने, तो फिर शाम को आऊँगी। यहाँ पर जैसे ही पहुँचे पता नहीं रुखसाना को कहाँ से खबर लग गई, वो आ भी गई। रुखसाना आ जाओ अंदर। और भी यहाँ पर देखें ऐसे हाथ ही गिर गया तले, ये देखे तले गिर गया तले। सर है कि बोलते हैं ना जैसे गिर गया तल्ले। ये सो रहा था ऊपर सोफे पर, जैसे इसको नींद आई तो ऐसे ऐसे ये नीचे गिर गया। ऐसे गिरे जैसे। चले यहाँ पर भाभी चाय बनाते हैं। और भी यहाँ पर हादी साइकिल फिर रहा, ये भी तंग करी कि मुझे भी चाहिए। क्यों आई थी बताओ मैं आपसे क्या आपको देखा था इसलिए आ गई थी। चलो अब चलो कुरान पाक पढ़ने नहीं गई, गलती फिर आ गई। तो यहाँ पर कज़न जो है ना मेरी आ गई हैं वापस, तो उनसे होकर जो है ना बच्चे को मिलकर देखकर फिर चले जाएंगे भतीजे को। यहाँ पर जो है ना मेरे कज़न के घर जो है ना इस तरह का शहतूत है, और देखें इसके ऊपर जो है ना शहतूत भी लगे हुए हैं। अल्लाह या रसूल अल्लाह असर की अजान भी हो गई, इतना टाइम जो है ना तेज़ी से भाग रहा है। दुआ चलो 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 दुआ चलो अब चलो। तो बस मेरे कज़न से हो लिया है, चलो दुआ चलें अब घर चलें चलो। तो यहाँ सामने ही शॉप है, तो इसने ज़िद की कि मुझे चीज़ चाहिए, तो इसको चीज़ भी लेकर दी है। चीज़ कैसे लिए, पापे लिए। माशाल्लाह यहाँ पर जो महाजमीन है वो भी मेरे कज़न के जो बच्चे उनके साथ खेल रही थी। यहाँ पे खेलने आती हो, कुरान पाक पढ़ने नहीं गई? नहीं गई। हाँ रुखसाना और रुखसार तो गए थे, रुखसार अभी भी आई थी तो वो बाजी का काम करने आई थी। आप कौन से स्पार में पढ़ रही हो? जा रहे हैं शहर और हम जा रहे हैं अपने घर। माशाल्लाह गांव से जैसे आई हूँ, फातिमा ने सब्जी बना ली थी तो मैंने आते ही जो है गोभी चढ़ा दी है। यहाँ पर गोभी चढ़ी हुई है और टमाटर और सॉरी आलू और मटर जो है ना अभी डालने हैं इसमें। दोनों को भूख लगी है बहुत ज़ोरों से, इन्होंने चाबियाँ ली हुई हैं, तो अभी मैंने आटा रखा है, सब सामान इकट्ठा हो गया तो रोटी बनाएंगे। और ये ईमान की ज़िद है कि मुझे चीनी वाला पराठा चाहिए शाम को भी, तो आप सादा पराठा खाओगी? ये दुआची बच्चे हर चीज़ खा, आप भी चीनी वाला खाओगी? गंदी बात। ईमान ऊपर देखो, ऊपर देखो, क्या खाना है बताओ, पहले बताओ क्या खाना है, क्या खाना है? चीनी वाला सुबह को होता है। चलो यहाँ पर आटा जो है ना मैंने गूंद लिया है, तो इसके ऊपर जो है ना मैंने घी का जो है ना कोट लगा दिया, इस तरह कवर कर दिया घी,
कि भाई ये सूखेगा नहीं, बिल्कुल ठीक रहेगा। और साथ में खुश्क आटा भी रखा है और छब्बा भी रखा है। फातिमा भी आई है रोटी बनवाने के लिए और ये दोनों बैठी हैं रोटी खाने के लिए। और यहाँ पर जो है ना आज जो है ना ईमान ने मेरी हेल्प की है सब्जी कटवाने में। और आलू देखे इसने किस तरह छुरी से जो है इसके छिलके उतारे, कितने बड़े बड़े आलू थे इसने छोटे छोटे कर दिए। जिस तरह ये वाले बने ऐसे ही थे, छिलका इतना मोटा मोटा उतारा है कि समझ ही नहीं आई। आलू और मटर जो है बाद में डालेंगे। और यहाँ पर रुखसार जो ना बुरखा पहन के आ गए कि सुबह मैंने स्कूल पहन कर जाना है। मैं पहन कर जाऊँ? नहीं मम्मा प्लीज। नहीं आप छोटी हो अभी, अभी बुरखा नहीं अभी दे रहे। और नीचे देखो कैसे लग रही हो, पाँव कैसे गंदे लग रहे। पाँव ऐसे हैं सुबह सुबह जूते और होंगे यूनिफॉर्म के साथ देखना। चलो ठीक है, इतनी उम्र में बुरका नहीं पहनते। हाँ कर पहनता है। आपसे बड़ी हैं वो बाजी है आपकी? वो बड़ी है, वो कद में छोटी है, वो एज में बड़ी है। हाँ वो कद में छोटी, एज उनकी बड़ी है, कद उनके छोटे हैं। वो हमारी क्लास में पढ़ती हैं। अच्छा तो वो सैयदजाद है, वो सैयदजाद पे बुरका जो है ना वो लाजमी है। हाँ तो वो सैयदजाद है उनके ऊपर। नहीं सैयदजाद होंगे तो वही उन्होंने। हाँ पूछ लेना वो सैयदजाद होंगे। चलो आप उतार दो, यहाँ से ऊपर बिल्कुल ठीक लग रहा है, यहाँ से नीचे बहुत गंदा लग रहा है। चलो यहाँ पे कपड़ा बिछाओ, मैं खाना बना रही हूँ, जल्दी जल्दी सालन भी बन जाएगा। और आप कपड़ा बिछाओ फिर हम लोग खाना खाएंगे। अच्छा ठीक है जाना। तो यहाँ पर जाना अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ गर्मा गर्म के बच्चों को। सालन बना रही हो? वाह माशाल्लाह। यहाँ पर सलमान के घर से सालन आया है, गोश्त और चने हैं या फिर चने की दाल ही ऐसा ही कुछ मिक्स हुआ है। माशाल्लाह बहुत मज़े का सालन है। बस अभी खाते हैं क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा भूख लगी। मैंने कहा आप खाएं पहले। मम्मा जी पहले तुम खाओगी? नहीं पहले आप खाओ। चलो पसीना देखो गर्मी में बैठी हुई। हमारा सालन अभी तक चढ़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है। अब मेरी तबीयत जो ना अचानक से ख़राब हो गई थी, एकदम से बीबी जो ना लो हो गया जैसे ही खाना खाया। तो बस फौरन से मैं इधर ही लेटी पड़ी थी, तो अभी उठी हूँ। तकरीबन एक डेढ़ का टाइम है, तो अभी मेरी कुछ तबीयत जो ना बेहतर है पहले से। तो बस दुआ करें कि मेरी तबीयत जो ना सुबह बिल्कुल ठीक हो। तो बस अभी और टैबलेट लेनी है, टैबलेट लेके फिर मैं सो जाती हूँ। फिर इंशाल्लाह नमाज के वक्त अगर ज़िंदगी रही तो उठूँगी और आप सबसे मुलाकात होगी। बस दुआ किया करें, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी मेरे बच्चों को मेरी काफ़ी ज़्यादा जो ना ज़रूरत है। तो बस मैं काफ़ी देर रोती रही हूँ, यहाँ पर रो रो के जो ना थक गया, अभी भीग गया है। मैं इतना ज़्यादा रोई हूँ, और जब मैं परेशान होती तो सबसे ज़्यादा मुझे मेरी अम्मी की याद आती है। काश कि मेरी माँ जिंदा होती, बस यही चीज़ जो है ना मुझे। एक कोई ऐसी रात नहीं जब मैंने अपनी माँ को ना याद किया। तो इंशाल्लाह बस अगर ज़िंदगी है तो इंशाल्लाह कल जो है ना मैं अपनी खाला के घर जाऊँगी। बस मुझे उनसे मिलना है, बहुत सारी बातें करनी है उनसे, उनके साथ बैठना है। अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मैं अपनी खाला के घर ज़रूर जाऊँगी। तो बस दुआ कीजिएगा कि सुबह मेरी कुछ तबीयत बेहतर हो, तो मैं वीडियो भी एडिटिंग करूँगी और वीडियो अपलोड भी करूँगी। अगर नहीं हुई तबीयत ठीक तो इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो ठीक, नहीं रही तो अल्लाह हाफिज़। तो बस दुआ कीजिए मेरे बच्चों के लिए कि उनके सर पर जो ना मेरा साया भी सलामत रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस मेरे अबू के लिए भी दुआ कीजिएगा कि उनकी भी तबीयत जल्दी ठीक हो। और मैं नहीं बताती कि मेरी भी तबीयत ख़राब है, क्योंकि कुछ वक्त देर पहले ये अबू की कॉल आई थी कि मेरे ना छाती में काफ़ी ज़्यादा दर्द है। तो वही बात जो ना मैंने जहन में बिठा ली, और खाना खाने के बाद ही जो ना अबू की कॉल आई है। पूरा दिन अबू कहते कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मैंने दवाई भी ली है। तो जैसे ही उनकी कॉल आई कि भाई अभी भी मेरी तबीयत जो ना आराम, यानी रुक रुक के मुझे दर्द हो रहा है, एकदम से जो ना मैंने जैसे ही जहन लगाया है ना उस बात को, तो एकदम से बीपी जैसे लो हो जाता है और मैं बेहोश हो गई। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर है, लेकिन सर और आँखें जो है ना भारी भारी लग रही हैं। तो इंशाल्लाह ये भी सुबह तक ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह सुबह नमाज पढ़ेंगे तो सब बेहतर होगा, अल्लाह पाक आसानियाँ करेंगे। तो अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।